सरकार की कहेंगे बढ़िया किया आपने। तो कितनी दिक्कत होती थी हमें, यहाँ इतना अंधेरा होता था, अब लाइटें लग गई हैं तो इट्स गुड। और प्लस मतलब लाइट वगैरह नहीं थी तो फिर लगता था कि हाँ हम नहीं निकल, ज़्यादा लेट नाइट नहीं निकल सकते थे। अब तो ये है कि हाँ पुलिस वगैरह भी रहती है, लाइट वगैरह भी लग गई, तो पहले से काफ़ी सुधार हो गया यहाँ पर। बढ़िया, अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत डेवलप्ड हो गया है। पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, कोई भी आता है तो एंट्री करवाते हैं कि कहाँ जा रहे हो। साफ तौर से पूरी तरीके से ढंग से हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो लोगों को रास्ता कैसे दिखाई देता होगा, इस चीज को गौर करिए। दिक्कतें होती है इस रास्ते पर चलने पर रात में, पुलिस बाहर खड़ी होती है जबकि पुलिस को अंदर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। अंधेरा यहाँ पे है ना, अंधेरा तो यहाँ पे है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, या तो यहाँ पे लाइटें हो। अंधेरी कोठरी का नाम यहाँ के लोगों ने दिया है। बिल्कुल अंधेरी कोठरी है यहाँ पे, अंधेरी कोठरी है। ऐसा नाम बताओ। संजय राघव। दिक्कत होती है, आप आखिर नहीं करोगे यहाँ पे शाम को जो ना दारू पीने वाले हमारी बहन बेटियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यहाँ पे। हाँ आप जैसे अभी ये निकल रहे हैं, अभी थोड़े और लेट निकलेंगे, क्या हमारी बहन बेटी तो आएंगी भाई काम करके, और यहाँ पर दारू पी पी के ना बैठ जाएंगे और छेड़खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। हाँ पुलिस वाले की जिप्सी देखो अभी है नहीं, वहाँ लगी रहती है, उनका ध्यान ही पता नहीं कहाँ रहता है यार। हाँ पुलिस वाले कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ करते तो यहाँ पर काहे को टेंशन पैदा होती। तुम काई भी लेडीज को रोको, हर लेडीज से ही कहेगी कि यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो अंधेरा है, सबसे मेन बात अंधेरा है। नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जिस जगह का नाम अंधेरी कोठरी दिया गया था, अंधेरी कोठरी यानी कि फ्लाईओवर के नीचे को अंधेरी कोठरी का नाम से एक शो चलाया गया था जो कि एनटीवी निष्पक्ष ने चलाया था। यहाँ पर अंधेरा रहता था, अंधेरे से महिलाओं को डर लगता था, पैर कांपते थे 11 बजे के बाद निकलने के बाद। इन रास्तों पर चलना महिलाओं के लिए मुश्किल था, लाइटें नहीं थी, लेकिन एनटीवी निष्पक्ष ने लगातार शो चलाया और प्रशासन से लेकर सरकार को आईना दिखाया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर का संज्ञान लिया, जिसके बाद इन जगहों पर लाइटों की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। हम वहीं मौजूद हैं जिसका नाम अंधेरी कोठरी दिया गया था, यहीं पर अब लाइटों की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक खंभे में दो लाइटें लगा दी गई हैं, इस अंधेरी कोठरी को उजाले में तब्दील करने का प्रयास किया गया है। एनटीवी निष्पक्ष की खबर का जो दमदार असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हमने कई बार इस चीज को दिखाया कि इन रास्तों पर किस तरीके से खतरा होता है, कैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और किन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर छात्राएं हैं जो इन रास्तों से चलकर अपने घर जाती हैं और घर से स्कूल तक का सफर करती हैं या फिर ऑफिस तक का सफर करती हैं। क्या नाम है आप? नेहा। इन रास्तों पर चलने में कैसा डर लगता था और लाइट लगने के बाद अब क्या माहौल है? पहले ये था कि हाँ यहाँ पर मतलब आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और प्लस मतलब लाइट वगैरह नहीं थी तो फिर लगता था कि हाँ हम नहीं निकल, ज़्यादा लेट नाइट नहीं निकल सकते थे। अब तो ये है कि हाँ पुलिस वगैरह भी रहती है, लाइट वगैरह भी लग गई, तो पहले से काफ़ी सुधार हो गया यहाँ पर। काफ़ी सुधार हो चुका है। और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस तरीके से इन रास्तों पर अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और क्या चीज़ें हैं, बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया? अमन। अमन जी ये बताइए, इन रास्तों पर अंधेरा रहता था, लाइट लग गई है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत डेवलप्ड हो गया है। पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, कोई भी आता है तो एंट्री करवाते हैं कि कहाँ जा रहे हो। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मोहिनी। मैडम इन रास्तों पर चलने पे डर लगता था महिलाओं को, अब लाइटें लग गई हैं, अब कैसा महसूस कर? अब तो सही लग रहा है। सही है? हाँ अब सही है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार की कहेंगे बढ़िया किया आपने। क्या नाम? लता नाम है भैया। लता जी ये बताइए, इन रास्तों पर चलने पे कैसा महसूस हो रहा है और अब लाइटें लग गई हैं, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लगता है भैया, अब लाइट लग गई, अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लग रहा है, और जब लाइट आई तो डर लगता था। लगता था अब अच्छा, अब अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, राह चलती महिलाएं, इनका साफ तौर से कहना है कि अब रास्तों पर चलने पर डर नहीं लगता है। मैडम एक मिनट, क्या नाम है आपका? रुमेहा। अब इन रास्तों पर चलने पर कैसा महसूस होता है, लाइटें लग गई हैं, पहले अंधेरा रहता था? भैया लाइटें लग गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइटों के बगैर तो हमसे पूछो हमें कितनी प्रॉब्लम होती थी। बहुत प्रॉब्लम। ठंड के टाइम पे हम अपने बच्चों को शाम के टाइम लेके आते थे तो कितनी दिक्कत होती थी हमें, यहाँ इतना अंधेरा होता था, अब लाइटें लग गई हैं तो इट्स गुड।
अच्छा लगे। अब अच्छा ऑब्वियसली बात है, अच्छा लगेगा, लाइट लगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं, इनका साफ तौर से कहना है लाइट लगने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। एनटीबी निष्पक्ष लगातार धरातल के मुद्दों को उठाता आया है, इन मुद्दों को सरकार ने संज्ञान में लेकर यहाँ पर कार्यवाही की है और इन मुद्दों को सुनकर यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर लाइटें लगवाई हैं। यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन विक्की के साथ धीरेंद्र शुक्ला, गाजियाबाद।